नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहर कांची ने कहा, स्वामी नरसिंहानंद द्वारा दिए गए भाषण पर संपूर्ण भारतवर्ष के आपसी भाईचारे एवं समाज के एक धर्म के विरुद्ध और उनके आराध के विरुद्ध कहे गए शब्दों में हम सब मुसलमान समाज के लोगों को गहरा आघात लगा है। ऐसे समाज विरोधी एवं तकनीकी एवं देशद्रोही क्रांति के खिलाफ हम मुस्लिम समाज के समस्त लोग अपने संविधान पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हैं। हम सब ये मांग करते हैं कि स्वामी नरसिंह आनंद के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और उचित धाराओं पर दंडित करने की कृपा की जाए। काजी जी के द्वारा में ज्ञापन दिया गया था। कुछ दिन पहले नरसिंहानंद शख्स ने एक दिल्ली प्रेस क्लब में हमारे प्रॉफिट पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े गुस्ताखाना बातें की हैं, तो उसी के सिलसिले में हमने ये मेमोरेंडम दिया है, ज्ञापन दिया है। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी की कार्रवाई हो इस आदमी, क्योंकि ऐसे लोग हिंदुस्तान के अमनो अमान को ख़राब करते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी उस इंसान को देखें, वो खुल्लम खुल्ला किसी के भी बारे में गाली बकता है। वो ऐसा इंसान है जो इंसानियत के लिए मासूर है, नुकसानदेह है। वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, वो पैगंबर की शान को घटा नहीं सकता, उसकी औकात और उसकी हैसियत ही नहीं है। लेकिन वो माहौल और हमारे अमन को ख़राब कर सकता है, इसलिए मैं हुकूमत से, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग नुकसानदेह हैं और कार्रवाई करने की जो अथॉरिटी है वो आप ही लोग हैं, आप ही कार्रवाई करेंगे। और मैंने मुसलमानों से भी कहा है कि आप किसी भी तरह से किसी भी मज़हब को सोशल मीडिया पे कुछ भी ना कहें, क्योंकि वो इंसान इंसानियत के ख़िलाफ़ है। कोई मज़हब, किसी भी मज़हब को हमारा मज़हब बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं देता है। यही आप लोगों ने सुना होगा, मैंने जुमे में भी लोगों को बताया है। तो ये भी एक चूँकि हसास मसला है और जो नौजवान तबका है उसके जज्बात बहुत उभरे हुए हैं, इसलिए उन्हें भी समझाने की ज़रूरत थी। तो उन्हें भी एक पैगाम दिया गया कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से किसी को गलत और बुरा भला ना लिखें, लेकिन उस इंसान को ना बख्शें, उस इंसान को ना छूएं। वो इंसान नुकसानदेह है और हम बार बार उसके लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे अगर उसको जल्द से जल्द सज़ा ना मिले। उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले और कोई भी इंसान अपने हाथ में कानून को ना ले, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जमा हुए थे। ठीक है।